अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गिवन सेल्स। यहाँ पे आपको डायग्राम शो की गई है और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक एनिमल सेल्स है जिसको हम लेबल करेंगे, और ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक एनिमल सेल्स है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच सेल इज़ दिस, ये कौन सा सेल है। आपको देख के पता चल जाएगा ये एनिमल सेल्स है, और यहाँ पे आपने रीज़न बतानी है कि आपने आंसर में एनिमल सेल्स क्यों चूज़ किया, ऐसा क्या नज़र आया कि आपने इसको एनिमल सेल्स बोला। और यहाँ पे हमने एनिमल सेल्स लिख दिया है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपने रीज़न देनी है कि आपने इसको एनिमल सेल्स क्यों बोला, आपको क्यों लगा कि ये एनिमल सेल्स है। तो यहाँ पे आप रीज़न देखें, अ सेल्स वॉल इज़ एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स। जैसे कि हमें पता है कि एनिमल सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये हमने बताना है कि हमें यहाँ पे सेल वॉल जो है वो नज़र नहीं आई, इस वजह से हमने इसको एनिमल सेल बोला। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म इज़ प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है वो हमें बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के साथ नज़र आया। साइटोप्लाज्म जो है वो इस प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में पाया जाता है एनिमल सेल्स के अंदर। उसके अलावा इसकी रीजंस ये थी कि हमने इसको एनिमल सेल इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर स्मॉल वैक्यूल होता है, आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस इज यूजली इन द सेंटर। जो न्यूक्लियस होता है वो यूजली आपको सेंटर में मिलता है और इसके अंदर स्मॉल वैक्यूल होता है, इस वजह से स्मॉल वैक्यूल है इसके अंदर। लेकिन अगर आप प्लांट सेल्स की बात करें तो उसके अंदर लार्ज वैक्यूल आपको नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर स्मॉल वैक्यूल नज़र आता है। और इसके अलावा एनिमल सेल्स का और प्लांट सेल्स का आपको डिफरेंस भी पता है, आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है। इसके अलावा इन ऑर्गन्स के अलावा प्लांट सेल्स के अंदर साइटोप्लास्ट होता है, और उसके अलावा उसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट नज़र आता है, और उसके अलावा आपको सेल वॉल जो है वो जो प्लांट सेल्स है उसके अंदर आपको मिलती है। और इस तरह से आपको ये सोल्यूशन मिल गया है इस क्वेश्चंस का। आपने इस तरह से इसको लेबल करना है, और इसका आंसर जो है वो आपने समर पैक का जो वर्क है उसको नीट आपने कंप्लीट करना है। उसके आपके मार्क्स दिए जाएंगे आपको, और ये जो समर पैक का वर्क है इसको आपने स्कूल में सबमिट भी करवाना है, तो आपने इसको साथ साथ कंप्लीट करते जाना है। और आपका वर्क जो है वो कंप्लीट और नीट होना चाहिए। जितनी भी डायग्राम्स आपको लेबल करने के लिए जाती हैं, ड्रॉ करने के लिए दी जाती हैं, वो आपने नीट नीट ही काम अपना करना है, और बाद में आपने इसको सबमिट करवाना है।